व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं बनाऊंगी चीज़ चिकन पार्सल ब्रेड। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन लेंगे। अच्छा, चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे करेंगे, और साथ ही फिर इसमें मैंने 2 अदद उबले हुए आलू ऐड किए। आलू को आपने अच्छी तरह से मैश करना है, और साथ ही साथ 1 कप आप इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें 2 अदद उबले हुए अंडे ऐड करेंगे, और फिर आपने कुछ इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में चिकन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, और नमक हसबे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें आपने ओरिगैनो लीव्स ऐड करने हैं, ठीक है। और फिर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए, इनके मैंने किनारे कट कर लिए। किनारे कट करने के बाद आपने इसको बेलन से बेल लेना है, एक एक स्लाइस को इकट्ठा, दोनों को नहीं बेलना। ब्रेड के आपने चारों तरफ पानी लगाना है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्रीम चीज़ ऐड करनी है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो अमेजा बनाया वो इसके ऊपर ऐड करेंगे, और लास्ट में आपने इसके ऊपर चीज़ ऐड करनी है। चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से बंद करना है, और साइड से आप इसको प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना। और फिर बाद में इसी तरह से सारे जो मैंने ब्रेड पार्सल है वो बना लिए थे, और एक साथ ही सब बना लिए थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ब्रेड को फिर आपने इसमें कोट करना है, और लास्ट में आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, और बहुत ही आसान भी, जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। और इंस्टा और टिकटॉक पर भी मेरा पेज है जायका मस्ती बाय ज़ैनब के नाम से, जल्दी से जाकर उसको आप विजिट करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 by 1 करके आपने सारे ब्रेड पार्सल इसमें ऐड कर देने हैं, और यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हाई फ्लेम पे आपने फ्राई नहीं करना, और ब्रेड क्रम्स लगाने की वजह से ये ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, और फिर वो दिल भी नहीं करता इतनी ऑयली चीज़ खाने का। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए इतना खूबसूरत इसका कलर है, और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही थी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अब जल्दी से जाकर इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।